आप बताइए, कोई विश्वास करता था कि 370 समाप्त हो जाएगा, राम मंदिर बन जाएगा, 35 से हट जाएगा, 3 तलाक पर कानून आ जाएगा? मैं ऐसे 3 काम जानना चाहता हूँ जिस विधानसभा के लिए सबसे पहले अगर आप फिर से विधायक बनते हैं, इस विधानसभा के क्षेत्र के लोग अगर आपको फिर से विधायक बनाते हैं, तो 3 ऐसे काम जो सबसे पहले प्रायोरिटी में रहेंगे आपके। बातें तो हम लोग करें तो काफी समय लगेगा, वही करिए, क्योंकि 5 साल बाद फिर हम लोग आएंगे आपसे। महाराज योगी हैं तो मुमकिन है, मोदी हैं तो मुमकिन है, कोई काम नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का। तो आज तो पिपराई विधानसभा में आप ढूंढने से अगर 100 किलोमीटर भी सड़क नहीं मिलेगी बनाने के लिए, आश्वस्त है कि नहीं इस बार जीतने के लिए? आश्वस्त है कि 100% जमानत इन लोगों की जब्त होगी, कम से कम हमारी लीडिंग 50,000 की होगी। कि जब आप पूछते हैं कि वोट किसको देंगे, तो वो बूढ़ा बाप कहता है जिस जो एक पेटवा भरा लो के वोट देवे। जो बूढ़ी माँ कहती है जिसने मुझे 2 साल से जिलाया खिलाया, वोट उसको देंगे? आप उसको बदल देंगे क्या? लेकिन जब हम मिलते हैं तो लोग पहले मोदी योगी का नाम लेते हैं, उसके बाद विधायक का नाम आता है। वही सबका साथ सबका साथ, तो टारगेट मुस्लिमों को दे रहे हैं। ना ना ना, ये तो गलत बात। देखिए 20 में यही लोग हैं जो केवल देश को, समाज को बांटना, तोड़ना, ये अराजक तत्व हैं, यही 20% में है। फिर से एक बार मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी, एक बार फिर से आपको मौका मिली है, क्योंकि बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र में ऐसे हैं जब सीटिंग एमएलए का टिकट कटा है। 60 किलोमीटर नई सड़क बनी है, फिर भी अभी आप जिस रास्ते आए हैं इस मनमलिया टोले पर, आप देख लीजिए, ये क्या ये रोड नहीं बनना चाहिए था? समाजवादी पार्टी केवल सत्ता को सुख का साधन बना करके खुद अपनी झोली भरने में लोग लगे रहते थे। पिपराइच काफ़ी पिछड़ा था, लेकिन आज यह पिपराइच विकास के मामले में नए कीर्तिमान स्थापित किया है। हम जात पात की बात नहीं करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति और ध्रुवीकरण और जातिवाद की बात ना हो तो फिर आप देखिएगा ना, जब एक देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि केंद्र से 1 रुपया चलता है तो जमीन पर 15 पैसा पहुंचता है, यानी खुद एक देश का प्रधानमंत्री जो आज हमारे बीच में नहीं है, और वो इस बात को स्वीकार करता है कि भ्रष्टाचार होता है, लेकिन बताइए सब्सिडी का पैसा सबके खाते में गया, और आप देखिए उसका रिजल्ट क्या हुआ। हमने भ्रष्टाचार को रोका। पहले जो सिलेंडर आते थे वो ऐसे मार्केट में ब्लैक में बिक जाते थे, सब्सिडी महंगाई नहीं रोक पा रहे, कागज में वो बीज आते थे, ट्रक से नहीं आते थे, कागज में वो बीज चला, गोरखपुर आया, और बीज कहाँ गायब हो गया इसका किसी को पता नहीं था। जब हमारा अन्नदाता किसान ही जब खुशहाल नहीं रहेगा, उसके चेहरे पर जब मुस्कान नहीं रहेगी, तो ये देश कभी खुशहाल नहीं रह सकता है। लेकिन बाद में क्या न्यूज आया कि यह उनके हक में था, लेकिन प्रायोजित तरीके से जो धरना दिया गया और सरकार को मजबूर किया गया, जब आप धरना नहीं समाप्त कर रहे हैं, हम आप पर कोई कार्रवाई ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो अंत में मजबूर होकर के प्रधानमंत्री जी ने उस कानून को वापस लिया। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। हमारी चुनावी यात्रा इस समय पिपराइच विधानसभा में है, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए निवर्तमान विधायक महेंद्र पाल सिंह हैं। इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि किन मुद्दों के साथ प्रचार प्रसार हो रहा है, चूँकि जान रहे हैं आप कि रात का समय है, हम लोग रात में ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और रात में प्रचार प्रसार भी हो रहा है, तो लोगों के बीच जो है जाने का और संवाद करने का जो है एक जरिया बन गया है कि आप डोर टू डोर कैंपेन करें और लोगों से संवाद स्थापित करें, ताकि जो बातचीत है वो डायरेक्ट एक व्यक्ति तक पहुंचे। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए महेंद्र पाल सिंह हैं, इनसे बातचीत करेंगे और तमाम मुद्दों पर इनसे डिस्कस भी करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर उत्कर्ष पत्रिका में आपका। नमस्कार। पहला क्वेश्चन यही है कि लोगों के बीच, चूँकि अब वर्तमान में आप MLA हैं, सीटिंग MLA हैं, तो फिर से एक बार मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी, एक बार फिर से आपको मौका मिली है, क्योंकि बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र में ऐसे हैं जब सीटिंग MLA का टिकट कटा है, आपका टिकट नहीं कटा, फिर से आपको एक बार मौका दी है भारतीय जनता पार्टी, क्या लग रहा है, कितनी उम्मीदें हैं, और जनता के बीच ये 5 साल कैसे बीता? जनता के बीच में 5 साल तो हम लोगों ने विकास को लेकर के, जो विकास की परियोजनाएं जो अधूरी थी, चाहे वो सड़क के क्षेत्र में हो या पिपराइच चीनी मिल को ले लीजिए, कुलुआ घाट का पुल ले लीजिए, ये जो बहुत दिनों से लोगों की जो डिमांड थी, तो उन विकास के कार्यों को कराते हुए लोगों के सुख दुख में अन्य भी कार्यक्रम होते हैं, यज्ञ है, रामलीला है, मुंडन है, कथा है, जो भी कार्यक्रम विधानसभा में हुए, इन सब लोगों के बीच में रहते हुए विकास के कार्य को कराते हुए 5 साल ये हम लोगों का बीता है। 5 साल के विकास में आपको ये भी पता होगा कि 2-3 साल कोरोना था, कोरोना चरम पर थी 2020 में, तो
क्या लगता है कोरोना के कारण जो विकास की गति है वो कहीं ना कहीं विधानसभा क्षेत्र में ना ही बल्कि हम प्रदेश की बात करें तो क्या लगता है कहीं ना कहीं कमी आई है या फिर बेहतर उससे बेहतर हो सका है लोगों के बीच? यही तो मैं आपके उत्कर्ष पत्रिका के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ लोगों को कि कोरोना काल में भी उत्तर प्रदेश की विकास की जो रफ्तार थी वो कम नहीं हुई है, क्योंकि पिपराइच में लगभग 385 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण और नई सड़कों का निर्माण हुआ है, जिसमें 125 किलोमीटर चौड़ीकरण है और 260 किलोमीटर नई सड़क बनी है। फिर भी अभी आप जिस रास्ते आए हैं इस मलमलिया टोले पर, आप देख लीजिए, यह क्या ये रोड नहीं बनना चाहिए था? नहीं बनना चाहिए था, मैं वही क्वेश्चन करने वाला था कि दो गाड़ियां अगर आपस से, मैं उसी पे आ रहा हूँ, क्या ये नहीं बनना चाहिए था? बगल के विधायक थे, यहीं बगल के विधायक, जहाँ मतलब आप मिले हैं मोड़ पर, वहाँ से उनके घर की दूरी मुश्किल से आप मान के चलिए तो 1.5-2 किलोमीटर होगी, अधिक से अधिक, उनको दिखाई नहीं दिया। हम लोगों ने इस सड़क को भी शासन को भेजा है, लेकिन विकास 385 किलोमीटर सड़कों का हुआ है। समाजवादी पार्टी भी सत्ता में रही है, बहुजन समाज पार्टी भी सत्ता में रही है, कांग्रेस भी तो काफ़ी समय तक वो सत्ता में रहे हैं, लेकिन इनको विकास से मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी केवल सत्ता को सुख का साधन बना करके खुद अपनी झोली भरने में लोग लगे रहते थे। इन 5 सालों में जो ये विकास हुआ है उसको अगर कहा जाए तो ये पिपराइच काफ़ी पिछड़ा था, लेकिन आज यह पिपराइच विकास के मामले में नए कीर्तिमान स्थापित किया है। हर जगह सड़कें बनी हैं, ये भी सड़क शासन में गया है और मैं इसके लिए भी प्रयास कर रहा हूँ और मैं वादा करता हूँ कि इस सड़क को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल मार्गदर्शन में हम सब 2022-23 में बना करके इस गांव को हम सब समर्पित करेंगे। बहुत दिनों से लोगों की डिमांड है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे निषाद जो मछुआ समुदाय है वो काफ़ी निर्णायक भूमिका में रहता है, यहाँ के वोटर्स लंबी तादाद में हैं। अमरेंद्र निषाद लड़ रहे हैं सपा से, क्या लगता है, लेकिन गठबंधन चूँकि आपका भी है निषाद पार्टी से, तो क्या लगता है निषाद पार्टी का जो वोट है, जो यहाँ निषाद हैं, वो आपके पक्ष में वोट करने वाले हैं इस बार या फिर अमरेंद्र निषाद के साथ जाएंगे? देखिए, गठबंधन हमारा संजय निषाद जी के साथ है, लेकिन हम जात पात की बात नहीं करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति और ध्रुवीकरण और जातिवाद की बात ना हो तो फिर आप देखिएगा ना, आप कल्पना करिए कि 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी ना, और 2017 में उत्तर प्रदेश सपोर्टिव रोल निभाई थी, 2014 का 17 में आया, वही मैं बता रहा हूँ। 2014 में जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो क्या आप समझते हैं कि भाजपा को निषाद के वर्ग के लोगों ने वोट नहीं दिया था? लेकिन मोदी जी ने ऐसा कार्य किया कि सरकार की सभी योजनाओं को, जो पहले योजनाएं तो बनती थी लेकिन वो धरातल पर नहीं आता था, जब एक देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि केंद्र से 1 रुपया चलता है तो ज़मीन पर 15 पैसा पहुंचता है, यानी खुद एक देश का प्रधानमंत्री जो आज हमारे बीच में नहीं है और वो इस बात को स्वीकार करता है कि भ्रष्टाचार होता है, लेकिन मोदी जी ने क्या कहा, नहीं आप स्वीकार करते हैं कि नहीं भ्रष्टाचार हो रहा है? नहीं हो रहा ना, मोदी जी ने कहा कि नहीं, 1 रुपया अगर केंद्र से चलेगा ना तो DBT के माध्यम से सीधे 1 रुपया उस अन्नदाता किसान के खाते में जाएगा। और बड़े दुख का विषय है कि 2014 के पहले गांव में हमारे किसान भाई कितने लोगों का खाता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनधन योजना, विपक्ष ये भी आरोप लगाता है कि विपक्ष एक चीज नहीं दीजिए, जनधन योजना के माध्यम से 0 बैलेंस पर, ये बहुत बड़ा ये है कि 0 बैलेंस पर आज तो हमारे गांव-गांव एक एक व्यक्ति का आज खाता है बैंक में। आज वह व्यक्ति अगर 500 रुपया भी है तो बैंक में रखता है, और आप कल्पना करेंगे कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ सीधे उसी खाते में जा रहा है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 1 रुपया चलेगा तो 1 रुपया पहुँचेगा, उसको करके दिखाए। अब आप बता दें
हम रसोई गैस को लेते हैं, पहले भी उसमें सब्सिडी थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं हम सब्सिडी का पैसा खाते में सीधे हम खाते में ट्रांसफ़र करेंगे, आपने देखा होगा कितना हल्ला हुआ कि अरे वो पैसा खाते में नहीं आएगा, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन बताइए सब्सिडी का पैसा सबके खाते में गया, और आप देखिए उसका रिजल्ट क्या हुआ, हमने भ्रष्टाचार को रोका। पहले जो सिलेंडर आते थे वो ऐसे मार्केट में ब्लैक में बिक जाते थे, सब्सिडी महंगाई नहीं रोक पा रहे हैं। अरे भाई मेरे सुनिए, महंगाई मुझे एग्जैक्ट तो नहीं आता है, अब मैं क्या बताऊँ, मैं आपको बताऊँ कि जब सब्सिडी का पैसा, जब पहले सिलेंडर आता था हमारा नौजवान, देखिए महंगाई की बात ऐसे करना ठीक नहीं, आप बता दें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप बता दें मैं विपक्ष की बात, आज मैं बता रहा हूँ आपको ना, जैसे महंगाई की लोग बात करते हैं, ये बता दीजिए हमारा घर का एक नौजवान, वो कृषक का बेटा है, वह एक सिलेंडर लेने के लिए गोदाम पर वह 4 बार जाता है। अब आप सोच लीजिए कि 2 बजे रात में इस उद्देश्य के साथ निकलता है कि हम समय से पहुँचेंगे तो हमें जैसे ही गोदाम उनका ऑफिस खुलेगा और हमें तुरंत मिल जाएगा, लेकिन होता क्या था 10-20 लोगों को दिए, इसके बाद कहते थे सिलेंडर समाप्त हो गया, वो बेचारा उपलब्धता मतलब बड़ी है, उपलब्धता नहीं, अभी पूरी बात हो जाएगी, उस वो घर आता था। अब 4 बार आना और जाना तो मोदी जी ने समाप्त कर दिया ना, जब सब्सिडी का पैसा आपके खाते में जा रहा है तो अगर कोई उसका ब्लैक करेगा तो उसको तो जो ब्लैकियर है उसको तो फायदा मिलना नहीं है, क्योंकि सब्सिडी का पैसा खाते में जा रहा है, जो है ज्ञान चंद के खाते में आएगा जहां मैं बैठा हूं। आप अगर बेचेंगे लेकिन पैसा आएगा ज्ञान चंद के खाते में, नाम याद है हाँ, तो जब ज्ञान चंद के खाते में पैसा आएगा तो ब्लैकियर को क्या है भैया, जब मिलेगा ही नहीं तो ब्लैक मार्केटिंग सिलेंडर की समाप्त हो गई। अब क्या स्थिति है, टेम्पू पर लाद करके सिलेंडर गांव-गांव जाते हैं लोग, क्या कहते हैं भैया सिलेंडर ले लो, सिलेंडर ले लो, तो वही मैंने बात की, उपलब्धता बढ़ी है। उपलब्धता कैसे बढ़ी है, जब प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार को समाप्त किया, उसी तरह से जब हमारा अन्नदाता किसान खेत में पानी चला करके और गेहूं बोने के लिए जब खेत में पानी चलाता था, जब उसकी ओधी नमी इस लायक होती थी कि अब हमें इसमें गेहूँ बोना है, तो वह गोदाम पर जाता था और वहाँ पर ये होता था कि बीज नहीं है, बीज आ रहा है, उसमें भी वही घपला होता था कि कागज़ में वो बीज आते थे, ट्रक से नहीं आते थे, कागज़ में वो बीज चला गोरखपुर आया और बीज कहाँ गायब हो गया इसका किसी को पता नहीं था। हमारा अन्नदाता किसान जब वहाँ गोदाम पर जब जाता था, जो कृषि रक्षा इकाई जो अपनी सरकारी है, वो कहते थे कि बीज अभी नहीं है, 1 हफ्ते बाद आइएगा, 10 दिन बाद आइएगा। अब आप बता दीजिए किसी का 2 एकड़ खेत है, वो पानी चला करके 2000 रुपये का, और उसके बाद इंतज़ार करेगा कि हमारे खेत की अवधि समाप्त हो जाए, इसलिए वह किसान ब्लैक मनो अधिक दाम दे करके बीज ला करके अपने खेत में गेहूं बोता था। आज क्या स्थिति है, जब मोदी जी ने कहा नहीं हम खाद बीज की सब्सिडी हम सीधे खाते में ट्रांसफ़र करेंगे, बीज की सब्सिडी दवा की सब खाते में करेंगे, तो उसमें भी हुआ अरे कैसे किसान खरीदेगा बीज, बीज तो इतना महंगा है कैसे खरीदेगा, उसका पैसे नहीं है। तो मोदी जी ने कहा नहीं ठीक है भाई चलो पैसे नहीं है तो किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6000 रुपया खाते में किसानों के भेज दिया कि भैया लो 6000 रुपया और किसानी खेती करना है तो अपना उसमें से पैसा निकालो, अपना बीज लाओ, अपना पानी चलाओ, अपना सब कुछ करो। और फ्री की स्कीमें, फ्री की स्कीमें बहुत आ गई हैं, देखिए फ्री की स्कीमें नहीं हैं, उनका हक है, देश प्रगति करता है कहाँ से, उस गांव गरीब किसान के खलिहान से ही तरक्की का रास्ता खुलता है। जब हमारा अन्नदाता किसान ही जब खुशहाल नहीं रहेगा, उसके चेहरे पर जब मुस्कान नहीं रहेगी तो ये देश कभी खुशहाल नहीं रह सकता है। और सुन लीजिए, तो जब ये पैसा बीज का रोकेंगे, अभी आपने कहा किसान अन्नदाता जब तक खुशहाल नहीं रहेगा तब तक प्रगति का मार्ग जो है प्रस्त नहीं होगा। एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि 1 साल तक धरना देते रहें MSP के लिए, MSP कानून के लिए किसान, और उस बीच तमाम घटनाएं हुई, लखीमपुर खीरी की भी घटना हुई, और कहीं ना कहीं कल के जो वोटिंग हुई है या आज का जो वोटिंग हुआ है उसमें लखीमपुर के लिए अगर कहा जाए तो भाजपा जो है कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि वहाँ उस विशेष विधानसभा में जो वोटिंग हुई है उससे जो है लखीमपुर खीरी का जो घटना है वो डायरेक्ट ताल्लुकात रखता है। किस हिसाब से देखते हैं बता दें, वहाँ का जो किसान है और यहाँ का जो किसान है
कोई तुलना है क्या? किसान तो देश का किसान तो नहीं, तुलना देखिए इस मामले में नहीं, आप बता दें यहाँ छोटे छोटे एमएसपी कानून अगर लागू होगा तो पूरे देश में लागू होगा। बता दें प्रधानमंत्री जी ने किसानों से, अन्नदाता किसानों से माफ़ी मांगी, लेकिन बाद में क्या न्यूज आया कि यह उनके हक में था, लेकिन प्रायोजित तरीके से जो धरना दिया गया और सरकार को मजबूर किया गया, लेकिन जब आप धरना नहीं समाप्त कर रहे हैं, हम आप पर कोई कार्रवाई ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो अंत में मजबूर होकर के प्रधानमंत्री जी ने उस कानून को वापस लिया, जबकि उस कानून को बनाने के लिए यही कांग्रेस के लोगों ने उसकी मांग की थी। क्यों उस समय जब इनकी सरकार थी तो नहीं बनाए, लेकिन मोदी जी के अंदर जो काम करने की जो उनकी शैली है, आप बताइए कोई विश्वास करता था कि 370 समाप्त हो जाएगा, राम मंदिर बन जाएगा, 35 से हट जाएगा, 3 तलाक पर कानून आ जाएगा, कोई विश्वास करता था? चलिए ठीक है, प्रदेश की राजनीति की बात बहुत हो गई, लंबी चौड़ी बात हो जाएगी और आपको भी समय। देखिए लास्ट में एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, इस विधानसभा में 5 साल के दौरान जो काम छूटे रह गए हैं, मैं ऐसे 3 काम जानना चाहता हूँ जो इस विधानसभा के लिए सबसे पहले, अगर आप फिर से विधायक बनते हैं, इस विधानसभा के क्षेत्र के लोग अगर आपको फिर से विधायक बनाते हैं, तो 3 ऐसे काम जो सबसे पहले प्रायोरिटी में रहेंगे आपके। एक काम तो यही मलमलिया का सड़क ही आपको दिखाई दे रहा है, तो मेरा पहला काम ये होगा कि पिपराइज टाउन एरिया का, देखिए खैर वो तो ओवरब्रिज की लोग डिमांड कर रहे हैं वहाँ पर, चूँकि वहाँ एक बहुत बड़ी अपनी चीनी मिल लगी है, और वो चीनी मिल देखिए, अब बातें तो हम लोग करें तो काफ़ी समय लगेगा, वही करिए क्योंकि 5 साल बाद फिर हम लोग आएंगे आपसे। महाराज योगी हैं तो मुमकिन है, मोदी हैं तो मुमकिन है, कोई काम नहीं है मुश्किल, जब किया इरादा पक्का आप समझिए। मैं सुन लीजिए, चीनी मिल बन गई है यार, चीनी मिल तो चल रही है, मैं बता रहा हूँ 385 हमने बनाया है, तो आज तो पिपराइज विधानसभा में आप ढूंढने से अगर 100 किलोमीटर भी सड़क नहीं मिलेगी बनाने के लिए, हम लोग तो ढूंढ के सब बन गई है। पूछिए यहाँ के, अभी पूछ लीजिएगा, साइड में दिक्कत है, लेकिन विधायक चौड़ीकरण तो मैंने 125 किलोमीटर बनाया, कहे तो मैं नाम गिना दूँ, आप मैं गिना दूँ, आप कुसमी से पिपराइज आ जाए, हमारे विधानसभा की बड़ी बड़ी सड़क को आप नाम जान लीजिए, कुसमी से पिपराइज, सोनबरसा से पिपराइज, गोरखपुर से पिपराइज, पिपराइज से बरगदही, भटहट से बासस्थान होते हुए मलंग स्थान, मैसरा जो आपका ये ओंकार नगर से आपका जो है ये जो गांगी बाजार तक, ये जो सड़कें हमारे विधानसभा में केवल मात्र 2 सड़क चौड़ीकरण के लिए बची, और 2 सड़क और बता रहे हैं, जो पिपराई से सीधे जगदीशपुर को काम उस पर शुरू हो गया चौड़ीकरण का 10.5 किलोमीटर, और बैजनाथपुर बालापार से एक सड़क अभी भी काम चल रहा है। हाँ काम चल रहा है, उसका टेंडर पहले हो गया था, बैजनाथ जो बालापार रोड जा रही है उससे 13.5 किलोमीटर सड़क का टेंडर हो गया, चूँकि अधिसूचना लग गई टेंडर नहीं खुल पाया, यह भी चौड़ीकरण में है, चुनाव के बाद जब सरकार का जब ये अधिसूचना समाप्त होगा तो टेंडर खुलेगा, काम होगा। हमारे विधानसभा में मात्र 2 सड़क बची है, कौन? एक सिधावल से बैलू और एक तुलसी देई से सरैया होते हुए बास स्थान, इन 2 सड़कों के अलावा आप जा करके देख लीजिए मेरे विधानसभा में कोई एक सड़क बता दीजिए कि विधायक जी ये चौड़ीकरण आश्वस्त है कि नहीं इस बार जीतने के लिए, आश्वस्त है कि 100% जमानत इन लोगों की जब्त होगी, कम से कम हमारी लीडिंग 50,000 की होगी, बहुत बहुत सुन लीजिए 50,000 की होगी। आज यहाँ का जो निषाद मतदाता है, मोदी जी के उस स्लोगन जो उन्होंने करके दिखाया कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही रहा कि 2017 में प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, और 2019 में उससे भी ज़्यादा 2014 से केंद्र में सरकार, इस बार लड़ाई 50-50% क्योंकि हम लोग भी देखिए ऐसा है कोई जानता नहीं है, घूमे तो हम लोग भी हैं, लोगों से बात की है, हम लोगों से बात करके आपसे, आप बताइए हम लोग भी जनता के बीच में रहते हैं, आज आप यहाँ किसी हम यहीं बैठे हैं, यहाँ ठीक है विधायक जी हैं, हो सकता है ये नहीं, ये विधायक जी हैं, ये लोग हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, आप गांव के अंदर चले जाइए कैमरा लेकर के, ऐसे ऐसे लोग कहते हैं कि जब आप पूछते हैं कि वोट किसको देंगे, तो वो बूढ़ा बाप कहता है जिस जो है पेटवा भरा लो के वोट देवे, समझ रहे हैं, ये 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 क्या बदल देंगे क्या? 100 रुपया आप दे करके 500 रुपया उस परिवार में आप पैसा दे देंगे तो वोट बदल देंगे? जो बूढ़ी माँ कहती है जिसने मुझे 2 साल से जिलाया खिलाया वोट उसको देंगे, आप उसको बदल देंगे क्या? आप उसको उसकी जो भावना अंदर से जो मोदी और योगी के प्रति है, हम लोगों ने विकास कराया है, लेकिन जब हम मिलते हैं तो लोग पहले मोदी योगी का नाम लेते हैं, उसके बाद विधायक का नाम आता है। ये 2 बड़ी शख्सियत जिन्होंने गरीबों के
दिल में जो अपनी जगह बनाई है, ठीक है विपक्षी हैं समाजवादी पार्टी के पास, तो इन्होंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन जिस सड़क पर खड़ा होते हैं कहते हैं विकास हुआ नहीं, फर्टिलाइजर यूरिया का उत्पादन कर रहा है कोई विकास नहीं हुआ, एम्स में ओपीडी और सारे काम चल रहे हैं विकास नहीं हुआ, चिड़ियाघर बन करके तैयार हो गया विकास नहीं हुआ, रामगढ़ ताल में गंदगी का अंबार था आज वहाँ हमारे बच्चे बच्चियाँ और परिवार के लोग वहाँ सैर करने जा रहे हैं विकास नहीं हुआ। इन लोगों के आंख पर केवल काली पट्टी बंधी हुई है, इन लोगों को लोगों को समझाने में सक्षम हो रहे हैं इस बार। उनका बस ये है कि हमने किया है फीता योगी जी काट रहे हैं, ये जुमला ये जनता जानती। कोई ये कहे कि विधायक जी समाजवादी पार्टी के समय का फीता काट रहे हैं, ये पब्लिक नहीं देख रही है कि कौन ये सड़क बनाया है। इसी नाकिन में मैं बात कर रहा हूँ, उनको 80% वोट मिलता था इसी नाकिन में, और हैं यहाँ लोग पूछ लीजिए, लेकिन गोद लिया था उसने उस ग्राम सभा को, लेकिन उसने कोई काम नहीं किया। मैंने वहाँ आकर के सड़क बनाई है, मैंने ये जानते हुए कि मेरा यहाँ वोट नहीं है, हमने मोदी जी के और योगी जी के उस नारे को कि सबका साथ सबका विकास, हम कहते हैं कि वो 80% में अगर मुझे उस आज तो 80 हम हैं वहाँ, आप बताएं ना, हम कहते हैं कि हमारा 20% अगर मतदाता है और हम इस चक्कर में हम ना बनावें तो हमारा 20% मतदाता पहले का जो हमारा था आज तो 80 हमारे पास हैं, तो लेकिन बिस्वाई राजनीति की बात बिल्कुल 80 में तो वही सबका साथ सबका साथ, तो टारगेट मुस्लिमों को दे रहे हैं। ना 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 ये तो गलत बात, देखिए 20 में यही लोग हैं, यही लोग हैं जो केवल देश को समाज को बांटना तोड़ना ये अराजक तत्व हैं, यही 20% में हैं, 80% में सब हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं इसमें, और यही देखिएगा जिस दिन 10 तारीख का जो रिजल्ट आएगा समझ में आ जाएगा, वो जनता है ये सब जानती है कि कौन किसके लिए क्या किया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, तो अगर बातें होंगी तो बहुत बड़ी हो जाएंगी। तो हमारे साथ हैं महेंद्र पाल जी और पिपराइज विधानसभा में हम लोग क्षेत्र में थे और तमाम बातें हुई, विकास के पहलू पे बात हुई, तमाम ऐसे पहलुओं पे बात हुई जो शायद अछूते रह जाते हैं अगर हम लोग विस्तार से बात नहीं करते। तो ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। नमस्कार।